खुद नहीं मालूम है कि क्या कारण है। और कुछ आपको आइडिया है? मना कर दिया आइडिया नहीं बोल के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। तो गाइस, टाइम हो रहा है सुबह की 10 लगभग, और नहा के आए हैं जस्ट, हेड बात लेके अभी। तो ब्रेकफास्ट तो बनाना है, पोहा आज मेरे को। लेकिन उससे पहले बेटे की कमरे की बेडशीट चेंज करनी है मुझे। तो ये बेडशीट मैंने चांदनी चौक से ली थी, बट इसमें ना मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसमें जिपिंग सिस्टम नहीं है पिलो कवर्स में, तो इसमें पिन लगाना पड़ता है, जो मेरे को अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। पर क्या करें, मुझे कलर अच्छा लगता है करके मैंने ले ली। तो कर देते हैं इनका कंबल भी टाइडी, बिकॉज रात में यही उड़ के लेटते हैं डिनर और छोड़ जाते हैं सुबह सुबह ऐसे ही। तो ज़रा कमरा सेट कर दें इनका, फिर बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस, चलते हैं किचन में, ऑयल गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में बनाएंगे पोहा। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी राई, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ऑनियन, दो तीन ग्रीन चिली, बस इतने ही आइटम डालेंगे पोहा में। और मूंगफली मैंने इसलिए फ्राई नहीं की बिकॉज पहले से फ्राई करी हुई रखी हुई थी। तो राई ज़ीरा भुन चुका है हमारा, डाल देंगे प्याज कटे हुए, और मूंगफली मैं अपने में नहीं डालूंगी, सिर्फ डीनो को भी डालूंगी बिकॉज मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो गोल्डन ब्राउन होने तक अपने फ्राई कर लेंगे प्याज को। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, वो भी इसी टाइम पे। बाकी के जो मसाले वो पोहा पड़ने के बाद डालेंगे। और गाइज, मम्मी पापा का तो व्रत ही है, तो सिर्फ अपने और बेटू के लिए बना रही हूँ, इसलिए क्वांटिटी भी कम लगेगी आपको पोहा की, बिकॉज हम दो ही लोग हैं खाने के लिए। और हमको भी ज़्यादा पसंद नहीं है पोहा, मतलब खासकर से बेटू को तो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे भी थोड़ा थोड़ा ही खाना पसंद है, कोई भी चीज़ एकदम ओवर खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो डालते हैं नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और अच्छे से चलाएंगे इसको। पोहा बन गया हमारा, बस 2 मिनट और चलाएंगे, मूंगफली ऐड करेंगे। तो ये मूंगफली सिर्फ मैंने डीनो के लिए ऐड की है, मैं तो नहीं खाऊंगी। और वो थोड़ी नमकीन भी डलवाता है ऊपर से बिकॉज, तो थोड़ा सा ही लेके जा रही हूँ उसके लिए। ये अपनी ड्राइंग यहाँ से हटाओ, कहाँ रख दूँ बताओ? सोफे पे नहीं रखूंगी, यहाँ खाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होगी बिल्कुल मेरी तरह। तो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 11:30 हो रहा है, और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, बेटू ने खा लिया था, मैंने अभी अभी खाया है। तो मेरी लिपस्टिक निकल गई थी, क्यों कोई भी चीज़ खाओ ना तो साथ में ना लिपस्टिक भी चाटने की आदत है, तो दोबारा लगा के आई हूँ। तो अभी सोचा व्लॉग शुरू करूँ, बिकॉज सुबह से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि बेटू की छुट्टियाँ चल रही हैं, इनके स्कूल में पता नहीं कुछ समथिंग खो खो टूर्नामेंट चल रहा है, तो उसकी वजह से बच्चों को छुट्टी दे दी गई है 4-5 दिन की। तो ये घर में रहता है पूरा दिन, इसके ही उसमें लगे रहो, आवो भगत में। अभी हम फ्री हुए हैं, काम वाम सब हो चुका है। इनफैक्ट सबके घर में कूलर चल रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही हो ऊपर बैकग्राउंड में, बट मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है, वरना मेरी आवाज़ आप लोग को सुनाई नहीं देगी। कितना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ देख रहे हो, ऐसा ही हूँ मैं। आज ये बेडशीट बिछानी थी मेरे को दूसरी, बिकॉज़ इसको बिछे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, मेरे को लग रहा है इतने दिन पहले बिछाई गई थी, मेरे को लग रहा है शायद 15-20 दिन हो गए होंगे। बस वही ना, इस काले कमरे में कोई सोता नहीं है, इस वजह से इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। कई बार मैं दोपहर में जिस दिन मेरे को नींद आती है ना, उस दिन मैं इधर ही सोती हूँ आके। तो मैं इस पर सोई थी, कौन सी तारीख थी, अभी 2 या 3 दिन पहले मैं दोपहर में 1 घंटे के लिए सोई थी, तो इसी पर सोई थी। वरना हम दोपहर में यूजली सोते नहीं है माँ बेटे, तो ये बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट मैंने सोचा लो बेडशीट चेंज कर दे, तो चेंज कर दी बेडशीट और बाकी काम निपटा लेते। गेट भी मैंने बंद किया हुआ था, क्योंकि बेटू इतने तेज़ टीवी चलाते हैं ना कि सुनाई नहीं देगी आपको मेरी आवाज़। मैं बहार जा रही हूँ, देखते क्या कर रहे हैं महाशय।
पढ़ाई कर रहा है, मेरा बेटू तो पढ़ाई कर रहा है गुड बॉय की तरह। ये देखिए हन्नू भी कर लो गुड बॉय की तरह। नो। फिर नो करी आपने? नो। फिर नो? कब करोगे? 10 साल बाद। इनकी सब बातें 10 साल पे शुरू 10 साल पे खत्म। हन्नू कर लो चलो, ठीक है करो चलो अपना काम खत्म करो जल्दी। तो गाइस 12 बज रहे थे, सोचा थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, तो एक एप्पल ले लिया है, खीरा ले लिया है और हाफ एप्पल मैं मम्मी को दे के आई हूँ और 2 खीरे खाऊंगी। मुझे खीरे खाना बहुत पसंद है काले नमक से। खाओगे बेटू? खा लो। हाँ खाओगे? अरे यार फ्रूट्स और ये सब, खीरा खाओगे? बहुत अच्छा होता है डीनो। इन महाशय से बोला दूध पी लो तो देखो कहाँ से लॉन्च हुए हैं सीधे ऊपर से मेरे। फिर बोल भी रहे थे कि मेरा पैर टूट गया लग रहा है। मैंने कहा चलो स्लैब पे रखा है दूध, चुपचाप पी लो, ड्रामे ना करो ज़्यादा, क्योंकि जब भी कैमरा लगा देखता है ना तो अलग ही नौटंकी शुरू हो जाती है उनकी। अब ये देखिए अब उधर नहीं जाएंगे टीवी के पास, अब इधर ही नौटंकी करते रहेंगे। और हमने कहा थोड़ा नमक डाल लें, पता नहीं इसके होल सारे बंद हो गए फिर हाथ से डालना पड़ा। पर हमें नमक डाल के अच्छा लगता है खीरा और ये सब खाना, सेब वगैरह। तो गाइस कर रही हूँ लंच की तैयारी अपने और बेटू के लिए, तो पराठे बनाने की सोची है मैंने और ये पराठे डीनो खा भी लेता है अच्छे से, तो 2-4 सब्जियां भी डालूंगी इसके अंदर, जैसे कि कैबेज, कैप्सिकम, ऑनियन और ग्रीन चिली, 1-2 आइटम और डालेंगे। तो मैं दरअसल बाहर देख रही हूँ क्योंकि कोई ना कोई बैल बजाता रहता है ना, तो और कोई ना कोई घर के आसपास मंडराता ही रहता है। रूम खाली है सोच के इसलिए तो मेरी नज़र उधर ही है, बिकॉज मम्मी अभी इधर है नहीं घर में, वो बाहर हैं। कर रहे हैं कटिंग और बनाते हैं पराठे। तो गाइस इसमें सब्जियां जो कटेंगी ना वो सारी लंबे लंबे पतली पतली काटी जाती हैं, वरना जो पराठा है ना हम बेलेंगे ना तो ज़्यादा फटेगा और डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उसको पलटने वगैरह में फटने के चांस होते हैं। तो उसको हल्का ऐसा लंबा लंबा पतला पतला काटिए और पत्ता गोभी 2-3 बार धोनी बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने धो ली है, वो ज़्यादा भी नहीं ली, थोड़ी सी ली है बिकॉज मेरे और बेटू के लिए बनेंगे पराठे सिर्फ इसलिए। और मैंने शिमला मिर्च भी ऐसे पतली पतली छोटी छोटी काट ली है और ऐसे ही मैंने प्याज भी काटे हैं। बस हो गई है कटिंग हमारी। उसके बाद इसमें डालेंगे सूखे मसाले, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी भी डाला है मैंने बिकॉज पीले पराठे मुझे अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा हल्दी डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया। अब इसको ऐसे मिक्स करके इसका एक डो तैयार करेंगे। तो गाइस थोड़ा सा मेरे पास आलू का भरता रखा था, मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। इनफैक्ट आप पनीर भी डाल सकते हैं, और ख़ासकर से जो सब्ज़ियाँ मैंने काटी है ना, अगर इसको आप अलग से एक स्टफिंग तैयार करना चाहें ना और प्लेन आटा बना के उसमें स्टफ़ करके बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगेंगे, बट मेरे बेटू को ऐसे ही पसंद है, स्टफिंग वाले पराठे वो ज़्यादातर खाता नहीं है, तो ये वाला उसे पसंद है तो मैं इसी स्टाइल से बनाती हूँ। तो
तो गैस जब इसका डो लगाते हैं ना तो बाद में सब्जियां थोड़ा पानी छोड़ती है ना तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो थोड़ा ज़्यादा आटा यूज़ कीजिए और तब बनाए अपने पराठे, तो ज़्यादा चिपके वगैरह नहीं। और इसमें हल्दी थोड़ी कम लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ी ऐड की थी बाद में, बिकॉज मुझे येलो येलो पराठे ही अच्छे लगते हैं। और इनफैक्ट डीनो को भी तुमने पहले कुछ खिलाया होगा ना, अगर उस तरह के नेक्स्ट टाइम ना बने ना तो वो खाता नहीं है, तो मुझे सेम वैसे ही बनाने पड़ते हैं। तो अगर हल्दी कम भी थी तो मुझे बढ़ानी पड़ी, अदरवाइज़ बेटू को पसंद नहीं आएंगे कि ये वो वाले पराठे नहीं है, बहाने बनाएगा वो। तो बना रहे हैं उनके और अपने लिए पराठे, लगभग 3 या 4 ही बनाने हैं, बस हो जाएगा माँ बेटे का काम। तो गाइज़ मैं कर रही हूँ लंच और डीनो नहा रहे हैं, 2:30 लगभग बज रहा है। छुट्टी वाले दिन तो कभी 2 बजे नहाता है, कभी 3 बजे नहाता है, तो अभी बाथरूम में ही खड़ा और चिल्ला रहा है, पूरा ऐसे ही भीग गया है। अब मेरे कपड़े निकाल दो मम्मा, ये फंस गए हैं मम्मा, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट गीला हो गया जाके शावर के नीचे। मैंने कहा कपड़े उतारो और रेडी हो जाओ, मैं आती हूँ अभी खा के। मुझे तो चैन से खाना भी नहीं खाने देता है। अब नहा चुके हैं और मुझसे ही पराठा खा रहे हैं, अपने हाथों से पराठा भी नहीं खा सकते, और मम्मा के साथ बैठ के लूडो ज़रूर खेलते हैं। अभी तो वैसे तो बेटे ये आप हार ही जाओगे, क्योंकि लास्ट में वो आपको जीतने नहीं देगा, आपको पता है ना, बन नहीं आएगा। नहीं अब तो हम बस ऐसे ही जाएंगे। भगाओ भगाओ भगाओ। और इसके अभी 3 मिल गई है, अपने 4 होने हैं। अच्छा लग रहा है पराठा? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सर आ गए हैं बेटू के, तो बेटू कर रहे हैं अपना पढ़ाई लिखाई। हम आ गए हैं अपने कमरे में, बिकॉज जो रात में वीडियो पढ़ती है उसका वॉइस ओवर रह गया था वो करने के लिए, तो अब हम वो करेंगे शांतिपूर्वक। और डीनो करेंगे अपनी पढ़ाई, फिर उसके बाद मम्मी भी गई हुई हैं अभी वहाँ मंदिर, आज वो 5 बजे ही मंदिर चली गई, और सर भी इनके 1 घंटे पहले आ गए, उनके होगा हो सकता है उन्हें कुछ काम होगा। हम करेंगे वॉइस ओवर, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है? गाइज हमारा वॉइस ओवर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि लगभग 6 बज चुके हैं, बेटू के सर जा चुके हैं, चले गए होंगे क्योंकि करेक्ट 1 ही घंटा पढ़ाते हैं वो, 1 मिनट ऊपर नहीं 1 मिनट नीचे नहीं, इस तरह का उनका पढ़ाने का तरीका है। तो हम जा रहे हैं बाहर, और मेरी एक आदत है ख़ास, जो कि शायद आप लोग को पता भी होगी, कि जिस दिन हम हेड बाथ लेते हैं ना, बाल ना तो बांधे जाएंगे ना सुखाए जाएंगे ना कुछ होगा, मतलब उन्हें गीला छोड़ दो पूरे दिन के लिए। चलिए बाहर चलते हैं। ये देखो अपने फ्रेंड को ले आए हैं, बाबा के रूम में खेल रहे हैं, बाबा नहीं है तो फ़ायदा उठा रहे हैं। डुग्गू को लाए हैं, यही हैं डुग्गू, इनसे 2-3 साल छोटे ही हैं। गाइज कल ये मेरे ब्लॉग में मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कुछ पूछा था, मैंने कहा लो ब्लॉग एंड करने से पहले उनकी बात का भी जवाब दे ही दें। काफ़ी गंभीर सवाल किया गया हमसे कि आप इतना ऑयली खाते हो पर मोटे क्यों नहीं होते हो। मम्मी कुछ है इसका आपके पास आंसर? मोटे क्यों नहीं होते? हाँ मतलब ऑयली खाते हो बट मोटे नहीं होते हो। तो इसका आंसर मेरे पास नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मेरी शादी से आज तक मैं वैसी की वैसी हूँ। मेरी शादी को 11 साल हो जाएंगे जनवरी में, और जो मेरी चढ़ाई वाली साड़ियाँ थी उनके ब्लाउज थे वो आज तक मेरे को आते हैं प्रॉपरली 10-11 साल बाद भी, तो मेरे को खुद नहीं मालूम है कि क्या कारण है। और कुछ आपको आइडिया है? मना कर दिया आइडिया नहीं बोल के। हाँ आप लोग लेकिन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, योगा कर लिया करो, तो स्पेसिफिकली पेट पे थोड़ा आता है फैट, तो आप लोग पेट की योगा कर लिया करो, पेट की एक्सरसाइज किया करो और फिट रहो। बाकी हम ऑयल इतना खाते पीते हैं इस चीज़ का हमें भी नहीं पता कि ऐसा क्यों है कि हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है चीज़ों का, जबकि मेरे ख्याल से लगातार अभी मैं कल मैंने वो वाले पकौड़े खाए थे कुटू वाले, उससे पहले मैंने मिर्ची के पकोड़े खाए थे बेसन के,
ऑलमोस्ट डेली मैं तला भुना खाती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता है, अभी मुझे खुद नहीं पता। ये भी लगता है ऊपर वाले का यू नो कर्म है। चलिए फिर ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बिकॉज इसका भी मेरे को खुद नहीं पता है आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मैं बाय करूं, आपकी बाय दिखी नहीं है बाय द वे मम्मी। हाँ आप ठीक है, आप डीनो भूत की मूवी लगाओ जरा, देखनी है मुझे। फिर मैं अपने कमरे में भूत की मूवी देखूंगा जाके। ठीक है, देख। फिर मत कहना, जाओ क्या बाद में देखूंगा, रात को 12 बजे उठ के आपके सोने के बाद। मैं तो और सबसे बेस्ट रहेगा जब आप सो जाओगे, मैं उठ के इधर आ जाऊंगा, आपको अकेला मस्त छोड़ दूंगा और आगे भूत की मूवी लगा लूंगा। ठीक है, मैं तभी नहीं, वो आपकी नींद तो खुलेगी नहीं, अकेले सोते रहना उसमें, सबसे अंदर वाले रूम में, गहरे भूतिया रूम में। ठीक है, नहीं। तो लगा दो फिर।